यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। मौसम के बदलते मिजाज के बाद ऊपरी पहाड़ों में भारी बर्फबारी हो रही है। निचले हिमाचल में जमने वाले कोहरे से दिक्कतें बढ़ गई है। काफी दिनों से प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश और बर्फबारी से तापमान में भारी गिरावट आई है, जिसके चलते ठंड और ज्यादा बढ़ गई है। ये रिपोर्ट देखिए आप। हिमाचल प्रदेश हमेशा से ही अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। पूरे साल न सिर्फ सैलानी बल्कि प्रदेश के लोग भी यहाँ पड़ने वाली बर्फ का इंतजार करते हैं, क्योंकि हिमाचल में होने वाली बर्फबारी यानी स्नोफॉल के लिए देश भर से सैलानी यहाँ आते हैं। प्रदेश के लोगों को रोजगार मिलता है, पर्यटन को भी बढ़ावा मिलता है, लेकिन इस बार ठंड ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पिछले कुछ दिनों से लगातार प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश और बर्फबारी से तापमान में भारी गिरावट आई है। नल का पानी भी जम गया है और तो और घरों के बाहर जमा पानी भी जम गया है, जिससे जनजीवन पर काफी असर पड़ रहा है। बर्फबारी के चलते सैलानियों में तो खासा जोश है, लेकिन कुछ बुनियादी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। वहीं हमीरपुर जिले भर में पिछले कुछ दिनों से जमने वाले कोहरे से ठंड बढ़ गई है। हालांकि पिछले दिनों हल्की बूंदाबांदी हुई थी, लेकिन आज फिर से दिन के समय तेज धूप चमकने के साथ सुबह का आगाज जमने वाले कोहरे से हुआ। ठंड बढ़ गई है, ऐसा लग रहा है कि कश्मीर यहाँ पे पहुंच गए। इतनी ठंड हो गई है कि यहाँ पे लोग सहन नहीं कर पा रहे हैं। जो जिस तरह से बाहर निकल रहे हैं, बाहर लोग निकल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ठंड इतनी बढ़ गई है। जिस तरह से सुबह सुबह निकलते हैं तो हाथों को ऐसी अकड़न होती है। जिस तरह आप देख रहे हैं सब्जियों के सिकुड़ गई हैं, ये खाने योग्य नहीं बची हैं, और ये आने जिस तरह से इस कोहरे की मार से ये सब्जियां, ऐसा लग रहा है कि ये सब्जियां खाने योग्य नहीं बची हैं, और ये इसमें बहुत इस ठंड से बहुत। किसानों का कहना है कि जमने वाले कोहरे से बेमौसमी सब्जियों को नुकसान पहुंच रहा है, तो गेहूं की फसल भी सूख रही है। इनका कहना है कि काफी सालों बाद इस तरह जमने वाले कोहरे से परेशानी हुई है। सुबह के समय घर के नल भी जम जा रहे हैं, तो बाहर पड़ा हुआ पानी भी जम रहा है। ठंडी से स्किन पे बहुत प्रॉब्लम हो रही है ना जी। ठंडी से बीमारी का खतरा है, खुश्क ठंड पड़ रही है जी। सब्जियों पे तो असर होगा ही, हाँ जी। ठंडी का फसलों पे तो असर हो रहा है जी, बहुत ज्यादा ही असर हो रहा है। बात की जाए कुल्लू मनाली या लाहौल की ऊंची पहाड़ियों की, तो वहाँ भी बुधवार को सुबह से हिमपात शुरू हो गया है। इससे कुल्लू और लाहौल में ठंड बढ़ गई है। मंगलवार को सुबह हल्की धूप खिली, लेकिन दोपहर बाद मौसम ने करवट बदली और रात के समय ऊंचे पहाड़ों में बर्फबारी शुरू हो गई। वहीं बुधवार को रोहतांग दर्रे समेत राहनी नाला, मड़ी, हनुमान टिब्बा, इंद्र किला, धुंदी जोत, मकर वेद, शिखर वेद की पहाड़ियों, मनालसू जोत, घमटा की पहाड़ियों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है। पर्यटन नगरी मनाली के बाहंग, कोठी, पलचान में भी बर्फबारी जारी रही। वहीं कुल्लू की निचली घाटी भी सुबह से बादलों से ढकी रही। लाहौल के बारालाचा दर्रे समेत लेडी ऑफ केलंग, दारचा की पहाड़ियों सहित लाहौल के समस्त ऊंची चोटियों में बर्फबारी गिरने का क्रम शुरू हो गया है। बर्फबारी के बाद मनाली में पर्यटकों की आमद भी बढ़ने लगी है। स्पेशल डेस्क खबरें अभी तक।